देखिए साथियों, ये उधमपुर एक्सप्रेस है जो इलाहाबाद से चलकर उधमपुर तक जाती है और काफ़ी अच्छी ट्रेन है। काफ़ी सफाई भी इस ट्रेन के अंदर देखने को मिली है और जो रेलवे स्टेशन पे सफाई है वो भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सही है। और इस ट्रेन की एक ख़ास बात यह है कि ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है और बहुत ही कम समय में करती है, क्योंकि इसके जो डिस्टेंस है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में वो काफ़ी दूरी पे है। लगभग 300-400 किलोमीटर की एक स्टॉपेज पे चलती है। एक बार में एक स्टॉपेज पे 300-400 किलोमीटर ये कवर करती है। उसके बीच में ये ना रुकती है ना इसका कोई स्टॉपेज, तो इसलिए काफ़ी अच्छी है ट्रेन है और काफ़ी ज़्यादा सफाई भी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये स्लीपर का कोच है और ना के बराबर इसमें भीड़ आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल खाली है। सफाई भी देखिए काफ़ी अच्छी इसमें सफाई आपको मिलेगी, क्योंकि जो इलाहाबाद से जाने वाली पब्लिक है, जो हमारी पैसेंजर ट्रेवल करते हैं, वो इलाहाबाद से हमारे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ को होते हैं, बहुत कम पैसेंजर हैं जो आपके उधमपुर तक जाते हैं। कि ज़्यादातर देखने को मिली है जो झांसी से, बांदा से दिल्ली राजस्थान रूट है, उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ पे बहुत ही कम भीड़ आपको देखने को मिलती है। काफ़ी शांत स्टेशन में ये फतेहपुर आता है और ना के बराबर यहाँ पे आपको भीड़ मिलती है। बहुत मेरा तो कहना है, अगर कभी आप आगे से इलाहाबाद आएँ या उधमपुर से आ रहे हैं तो इसी ट्रेन में आप उधमपुर 041-31 में सफ़र करें। इसमें आपको काफ़ी सफाई, कैंटीन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, फर्स्ट कोच, सेकंड, थर्ड एसी सब इसमें आपको मौजूद है और बहुत ही अच्छा स्टाफ आपको इसमें देखने को मिलेगा। और स्टेशन पर भी ना के बराबर भीड़ आपको जो मिलेगी, जो आपको बिल्कुल आपका एक सुहाना सफ़र आपको ये बना देगा। अभी के लिए इतना ही। ये देखिए बच्चे शाम के समय स्पोर्ट खेलते हुए, और ये गवर्नमेंट की तरफ से ये ग्राउंड है फतेहपुर का, उसमें ये सभी बच्चे शाम के समय अपना समय स्पेंड कर रहे हैं। हरा भरा ये स्टेशन है, चारों तरफ पेड़ पौधे, नेचुरल आपको एक अनुभव मिलेगा इस स्टेशन पे। देखिए तो मेरा मानना यही है, अगर आप आगे इसमें कभी ट्रेवल करें 041-31 उधमपुर टू प्रयागराज टू उधमपुर, सॉरी, इसमें आप ट्रेवल कर सकते हैं। काफ़ी सुपरफास्ट ये ट्रेन है। देखिए अभी भी स्टेशन क्रॉस किया है, काफ़ी स्पीड ये अभी तक पकड़ चुकी है। देखिए धन्यवाद सर।